फतेहपुर जिले में यूपी टीईटी की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर छात्रों में आक्रोश है, तो सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिन के अंदर पुनः टीईटी परीक्षा कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिन में परीक्षा नहीं कराई जाती है तो सपा छात्रों के हित में और उनके समर्थन में सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन वृहद आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांगे हैं जो ये टेस्ट की परीक्षा जो रद्द की गई है, ये एक षड्यंत्र है। ये बीजेपी सरकार के अंदर 5 साल हो गए, 5 साल में उन्होंने कोई नौकरी नहीं दी। एक ये सुनहरा मौका था बच्चों के पास, छात्रों के पास एक सुनहरा मौका था, उसको भी योगी सरकार ने षड्यंत्र द्वारा रच करके कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक जानबूझ से कराया गया। हमारी मांग ये है कि इसको 15 दिन के अंदर पुनः कराया जाए, नहीं बच्चों का भविष्य खराब होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है, निर्देश किया पूरे प्रदेश में आज इसी बात को लेकर के सारे समाजवादी जितने भी है सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन दिया गया माननीय SDM महोदय द्वारा, ये हमारी मांग है 15 दिन के अंदर परीक्षा पुनः कराई जाए, और नहीं तो अगर ये नहीं सुनेंगे तो सड़कों में बैठ के इससे बाद धरना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNews।